नमस्कार, बब्बीज किचन में आपका स्वागत है। तो आज मेरे किचन में बन रही है परवल की बहुत ही बेहतरीन मिठाई। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इसका स्वाद जो है लाजवाब होता है। तो बिल्कुल हलवाइयों के स्टाइल में हम इसे बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ले लिए हैं मैंने परवल, इन्हें मैं छील रही हूँ चाकू की सहायता से या पीलर की सहायता से। आप इन्हें इसे छील कर रेडी कर लीजिए। इस तरीके से मैंने ये परवल छीले हैं, सारे परवल मैंने छील कर रेडी कर लिए हैं। तो मैंने चक्कू की सहायता से इसमें एक कट लगाया है और चम्मच की सहायता से ये बीज का पोर्शन जो है हम निकाल देंगे। जो बीज वाला हिस्सा है इसे हमें निकाल देना है। बस इसी तरीके से हमारे ये परवल हमें रेडी करने हैं, क्योंकि हमें इसमें आगे स्टफिंग करनी है। तो एक और देखते हैं हम। इस तरीके से कट लगाइए, चम्मच की सहायता से एक तरफ से प्रेस करिए, बस दूसरी तरफ से ऐसे प्रेस करिए और बस निकल गया। तो इस तरीके से ये हमारे परवल बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएंगे स्टफिंग के लिए। तो ये सारे परवल हम इसी तरीके से रेडी करके एक गिलास पानी में बॉईल करेंगे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा हमें इन्हें गलाना नहीं है। 2 मिनट बॉईल करने के बाद इसे आप स्ट्रेन कर लीजिए, पानी सारा निकाल दीजिए और देखिए ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। इसे हमें बहुत गलाना नहीं है, सिर्फ सॉफ़्ट होने तक ही पकाना है। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं, एक कटोरे में से लौट लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की प्रक्रिया। इसमें डालेंगे हम चीनी। तो चीनी जो है मैं छोटे चम्मच से डालूंगी, मैंने टीस्पून लिया है, जो सबसे छोटा हमारा चम्मच होता है चाय का। तो हम ये टीस्पून जो है उसको यूज़ कर रहे हैं और इसमें मैं 5 से 6 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। 2 घंटे के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, इसे हम चेक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है परवल का, और हमारी जो सारी चीनी है वो देखिए परवल ने एब्जॉर्ब कर ली है और ये चीनी हमारी पूरी पिघल चुकी है। देखिए कितना अच्छा सिरप तैयार हुआ है। बिल्कुल हमारे जो परवल है वो अब मीठे हो चुके हैं। अब हम ये सारा लौट देंगे एक पैन के अंदर। छोटा सा पैन ले लिया मैंने, उसमें ये 8 से 10 जो परवल मैंने रेडी किए थे वो सारे मैंने लौट दिए। नीचे थोड़ी सी चीनी जो है मेल्ट नहीं हुई है वो भी हम इसी में ही डाल देते हैं। अब मैं इसमें एक इलायची और कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी आपकी परवल की मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर आप कलर चाहते हैं तो कलर के लिए आप फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि सिंथेटिक कलर्स यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं डाल रही हूँ। देखिए एक बॉईल आने लग गया है, बस इसे हमें 2 मिनट के लिए उबालना है और ये जो चाशनी है वो सारी जो है अच्छे से कोट हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे परवल जो है अब्जॉर्ब कर चुके हैं, हमें ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है इन्हें। हम इन्हें स्ट्रेन कर दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो हमारी सारी नीचे आ जाएगी स्ट्रेनर से। और हम ये जो है हमारे परवल कुछ अच्छे हो चुके हैं, मीठे और जूसी। अब चलिए हम इसे भरने की तैयारी करते हैं। जो स्टफिंग है वो हमारी देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन रही है, बहुत ही कम सामान हमने इस्तेमाल किया है। ले लिया है मैंने 2 चम्मच नारियल का बुरादा। ये कोकोनट पाउडर है जो बाजार में इजीली अवेलेबल होता है। 1/2 चम्मच मैं बूरा डाल रही हूँ, आप इसी भी चीनी भी डाल सकते हैं। और मैं कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे परवल ऑलरेडी मीठे हैं और ये मैंने जो खोया लिया है वो भी मीठा है। तो डाल दिया है मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच खोया और कुछ कटे हुए बादाम। बादाम की जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे डालिए। ये सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो चलिए हम भरते हैं हमारे परवल। परवल को हमें स्टफ़ करना है, तो अब इसे हम एक एक करके हाथों की सहायता से स्टफ़ कर लेंगे। बहुत आसान है, बस प्रेस करिए चम्मच की सहायता से, ये स्टफिंग डालिए और उंगली से प्रेस करते हुए अपने हमारे परवल जो है हम फिल कर लेंगे। सारे परवल जो है इसी तरीके से हमें भर लेने हैं। देखिए उसका शेप जो है बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, तो हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अच्छे से सारा मिक्सचर दबा दबा कर इसे भरिए ताकि उसका जो शेप है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाए, जैसे परवल होता है। तो ये हमारा जो खोए का मिक्सचर है वो हम इसी तरीके से सारे परवल में भर लेंगे। इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, कोई अलग फ्लेवर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। आप
अपना कोई भी ट्विस्ट दे सकते हैं इसमें। बस अब ये हमारी फिलिंग भर चुकी है, मैं इसे नारियल के बुरादे में कोट करती रहूँगी, और कोट करके मैंने ये सारे परवल रेडी कर लिए हैं। तो कोकोनट पाउडर में डिप करिए, रोल करिए, और ये हमारी परवल की मिठाई हो गई है रेडी। तो इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।